friends, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest update. Thank you. Hello friends. फ्रेंड्स, आज जो फिंगर मैन डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक ही स्टाइल में से 3 टाइप के होंगे. ओके, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक पैटर्न लेके स्टार्ट करेंगे, उसी पैटर्न को हमें ना तोड़ना है ना ही रिमूव करना है. आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे कि मान लीजिए आपने एक डॉट बनाई, उसी से आपने 3 डिज़ाइन बनाने हैं. मान लीजिए मैं चेक बनाऊंगी तो उससे चेक से ही 3 मेहंदी डिज़ाइन. तो इसी टाइप का ही है आज का हमारा फिंगर मेहंदी डिज़ाइन. इसमें मैं एक ही पैटर्न लेके चलूंगी, ना ही मैं बीच में रिमूव करूंगी और ना ही दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होगा. इसको पूरे को रिमूव करके हम एक ही डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे 3 शेप में. आप इसको 3 साइड से लगा सकते हैं. जैसे कि एक सिंपल, आप मान लीजिए आपने बेसिक चेक बनाई या फिर बेसिक स्क्वायर शेप बनाए या कुछ भी ट्राइंगल्स बनाए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बनाया, तो आप वो ईजीली छोड़ दीजिए. उसी हिसाब से ये मेरा फर्स्ट फिंगर मैन डिज़ाइन मैं कंप्लीट करती हूँ. अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ये भी लुक अच्छा है फर्स्ट. आज बात करते हैं सेकंड फिंगर टिप की. तो सेकंड फिंगर टिप के लिए मैंने इसमें मिडल वाले जो पोर्शन है, जो मिडल पोर्शन है, उसको मैंने फिल कर दिया है. तो आप भी जैसे भी आप जो शेप देना चाहें तो उसको बीच में थर्ड, यानी कि जो मिडल आप देख ही पा रहे होंगे, थर्ड वाले को मैंने फिल किया है. इससे क्या है, जो आपकी फिंगर्स का लुक आया है फिंगर मैंने डिज़ाइन का, वो एकदम भरवा आया है. जिन्हें कलर की प्रॉब्लम है या कलर पसंद है तो आप टेंशन ना लें, इसका आएगा एकदम डार्क स्टेल, बिकॉज ये है भरवा मेहंदी डिज़ाइन. इसमें हम बोल सकते हैं कि ये हो गए फिंगर टिप आपके भरवा. अभी देखिए आप इसको, आपको फिंगर टिप भरवा का लुक कैसा लग रहा है. मुझे ये बहुत अच्छा लगा. भरवा होने के साथ साथ ये आपको स्टाइलिश लुक भी देता है. अभी चलिए बात करते हैं थर्ड फिंगर टिप, यानी कि थर्ड स्टाइल की. तो थर्ड स्टाइल में मैंने क्या किया है कि जो हमने साइड में कोर्स छोड़े हैं, यानी कि जो साइड डिज़ाइन रह गया है, उसको हम डॉटेड स्टाइल में भी कर सकते हैं. आप चाहें तो इनमें साइड में सिंपल एक एक डॉट रख कर भी छोड़ दीजिए. लेकिन मैंने क्या काम किया है कि मैंने इनको फिल किया है छोटे छोटे शेप बनाकर. जो साइड स्क्वायर होते हैं इनको ही साइड में छोटा छोटा बनाने की कोशिश की है. तो इससे क्या हुआ है कि एक और स्टाइल निकल कर आया है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और नया स्टाइल आपको लगा हो. एक ही फिंगर, एक ही डिज़ाइन में 3-3 स्टाइल निकालना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपडेट्स आते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.